तो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप मुझे ये तरीका बताओ कि कैसे हम अपने जो इस गाड़ी को है वो अच्छे तरीके से सेव करके रखें और ज़रा सा भी मतलब मेंटेन अच्छे तरीके से रखें, जैसे एक ओनर को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वे उसी वे रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आज जो है मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आप वाशर देख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे वाशर आप देख सकते हो, ये विंडशील्ड स्प्रे के लिए होता है। इसका जो पानी वो मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पानी मैं लेके आऊँ, ठीक है, यहाँ पे पानी मैं लेके आ गया यहाँ पे, और ये मिनरल आरओ का वाटर है, ठीक है, क्योंकि इसने मैं आरओ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गंदा कुछ ना हो जाए इसमें और फिल्टर विल्टर का कोई भी चक्कर मुझे ना लगे, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ये ले चुका हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें डालने वाला हूँ, और साथ ही साथ अगर आप सर्विसिंग के लिए जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको एक शायद इसमें ये देखो इसमें शायद होगा यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से एक आपको यहाँ पे आपको एक शैम्पू मिलता है, ठीक है, ये आपको मिलता है कोई भी मतलब आप अगर जाओगे आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको ये मिल जाएगा। ये देखो इस तरह से कुछ शैम्पू आता है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और ये देखो इस तरह से ये कुछ मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ और कैसे यूज़ करना है वाशर को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट से हम इसमें पहले डाल लेते हैं, तो यहाँ जगह ठीक नहीं है, अरे यार ये पाइप कहाँ से आ गया। तो पाइप को हम लोग यहाँ निकाल के रख देते हैं और यहाँ से हम फिर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो अरे यहाँ पे तो काफ़ी अंदर तक पानी चल गया है और अभी भी जगह है, मतलब हमने जो है वो काफ़ी दिन से डाला नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने इतना डाल दिया लेकिन अभी भी पानी का लेवल ऊपर तक आया नहीं है। ऊपर तक बेसिकली भर के रखना चाहिए, नहीं तो इमरजेंसी में फिर प्रेशर अच्छा से नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लेते दोबारा से पानी डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पे पानी जो है वो डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये हमारा स्प्रे जो था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 50 ml in 3 liter। तो 50 ml कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन हमें क्या करने वाला हूँ 5 बूंद डाल दूंगा, होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। डाल देते 5 बूंद इससे फटाफट खोल के। यहाँ पे इस तरह से 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है अच्छा खासा। और यहाँ पे देखो कलर थोड़ा सा जो है वो दूसरा कलर का हो गया, अभी ऑटोमेटिकली जाके पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और डाल दिए। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया है शानदार, हाथ में भी थोड़ा बहुत लग गया है, महक बहुत नेल पॉलिश जैसा रहा है, ये देखो कैसा महक रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो, गाड़ी को आप फिर से इसे बंद कर दो, देखो तो यहाँ पे ये अच्छा से लग गया, फिट हो गया पूरा अच्छा से, ठीक है, फिट हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ इसे रख देता हूँ और बाद में आते हैं आपके साथ। अभी देखो ये फिर चलेगा 10 सेकेंड के बाद, चल जाओ, चलो चलो। तो देखो ये ऐसे चल जाता है, क्लीन तो काफ़ी अच्छे से कर देता है, ये देखो काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। कर तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी किया, अगर चलो आप लोग आप सब्सक्राइब भी करते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और टॉपिक के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।